बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बज्जू एंड जिया किचन में बहुत बहुत खुश आमदीद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल के वड़े, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। मूंग की दाल पिसी हुई, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ज़ीरा भगार के लिए पिसी लाल मिर्च, एक चुटकी हींग, हसबे जायका नमक, दही और अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, मूंग की दाल में मैंने प्याज काट के इस तरीके से डाल दी है। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें, हरा धनिया, नमक हसबे जायका, पिसी लाल मिर्च ये भी थोड़ी डालिएगा क्योंकि ये इसमें भी पड़ेगी और जो इसका मसाला बनेगा उसमें भी पड़ेगी, तो ये आप अपने हिसाब से डालिएगा कि कहीं ज़्यादा भी ना हो जाए। एक चुटकी हींग, ये मूंग की दाल मैंने ली थी 5 टेबल स्पून लिए थे, उसके हिसाब से ही मैंने आपको सारा मसाला बताया है। अगर आप लोगों को ज़्यादा मकदार में बनानी हो तो आप इसी चीज़ को उसके हिसाब से ही डालिएगा सारे इसके मसाले। अब मैं इसको जिस तरीके से हम आटे को करते हैं ना, इस तरह से इसको मैं गूंद लूँगी। अभी मैं चमचे की मदद से कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको हाथ से करूँगी कि कहीं ये बहुत पतला भी ना हो जाए। ये देखिए नाज़रीन, हमारा हो चुका है ये। अब इसको मैं कबाब की तरह से इसकी टिक्की बना लूँगी, फिर इसको ऑयल में फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, मैंने इसके अंदर इतना ऑयल डाला था कि ये अच्छी तरीके से डीप फ्राई हो गए। बाकी तो मैंने निकाल लिए करके, ये मैंने कहा दो आप लोगों को दिखाऊं। ये देखिए कैसे गोल्डन हुए हैं ये आगे पीछे से। इसको इस तरीके से आप कर लीजिए ऑयल में डीप फ्राई। अब मैं दिखाती हूँ कि इसका मसाला भून के फिर ये इसके अंदर हम डालते हैं। जी नाज़रीन, जिसमें मैंने अपने बड़े फ्राई किए थे उसी के ऑयल में मैं अब मसाला भून के दिखाती हूँ आपको। ऑयल और नमक मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग अपने हिसाब से यूज़ किया करें। ऑयल हमारा पहले से ही गर्म था। अब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया था मैंने। ज़ीरा हमारा फ्राई हो चुका है, कड़क हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम थोड़ा फ्राई करने के बाद फिर इसके अंदर अपने मसाले डालते हैं। जी नाज़रीन, अदरक लहसुन भी फ्राई हो चुका है थोड़ा। अब इसके अंदर पिसी लाल मिर्च, हसबे जायका, हसबे ज़रूरत जितनी आपको चाहिए, मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाला। हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक मैंने मसाले में भी डाला था बड़ों में और इसमें भी डालूंगी तो थोड़ा कम ही रखूंगी कि ज़्यादा ना हो जाए।
और पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून। ये डाल के इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें दही शामिल कर देंगे। फिर इसको अच्छी तरीके से भूनना है। जितना अच्छा भूनता है सालन उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। ये देखिए मसाला हमारा भुन रहा है, कितना खुश रंग। मसाला जब भी भुना करें थोड़ा थोड़ा पानी डालती रहा करें। मसाले को हम जितना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनेंगे वो सालन उतना ही मज़ेदार बनेगा। देखिए मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी बड़े ये मैंने इसके अंदर बड़े डाल दिए हैं। बड़े डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला 1/2 टीस्पून। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। ये देखिए मैंने गरम मसाला इसके अंदर मिला दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 कप पानी। बड़े मेरे थोड़े हैं इसीलिए मैं 2 कप डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत बड़ों ने अगर पानी पिया भी तो ये बिल्कुल सेट रहे, इसका सालन कम ना हो। ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ों के साथ पकेगा भी अभी। मैंने डाल दिया है 2 कप पानी। अब मैं इसको ढककर 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊंगी, फिर इसको डिश आउट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? जी नाज, आपको ये बड़ों की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करें और इसके चैनल को प्रमोट करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं खाना स्टार्ट करती हूँ। देखें ये कितने खूबसूरत बड़े बने हैं और टेस्टी भी बहुत होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं ये। जी नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। ये मेरी वालदा हैं, अभी खा रही हैं खाना। वैसे तो इन्होंने काफ़ी तारीफ़ कर दी है लेकिन इंशाल्लाह टेस्ट में भी बहुत मज़े के होंगे। नाज़रीन, आपने हमारे दाल के बड़े देख लिए हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।